चलिए क्वेश्चंस। ये वाला 25 नंबर, इसके पहले सारा हो गया है। ये था 25 नंबर। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज साउंडेड नियर अ गिटार कॉजिंग वन ऑफ द स्ट्रिंग्स टू वाइब्रेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। We vary the tension of the string until we find the maximum amplitude. The string is 80% as long as the closed pipe. And both the pipe and the string vibrate at their fundamental frequency. Calculate the ratio of the wave speed of the string to the speed of sound in air. 25 हो गया आप लोग से? Yes sir. हो गया? Yes sir. Closed organ pipe है? साउंडेड नियर अ गिटार, ठीक है ना? यहाँ पे गिटार है। कॉजिंग वन ऑफ द स्ट्रिंग्स टू वाइब्रेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। फेयर द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अंटिल वी फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। द स्ट्रिंग इज 80% एज लॉन्ग एज द क्लोज्ड पाइप। क्लोज पाइप मान लीजिए L और ये स्ट्रिंग जो है वो हो गया 0.L। क्लियर है क्या? यस सर। बोथ द पाइप एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट एट देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? ये भी फंडामेंटल है और ये भैया भी फंडामेंटल है। तो ये जो फंडामेंटल है तो क्या हो जाएगा? ये बाई 4 क्लोज्ड है ना पाइप। एल इज इक्वल टू लेमडा बाय 4। लेमडा हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड बटे 4f। क्लियर है क्या? यस सर। एफ हो जाएगा वी बटे 4l। ये हो गया पहला। इसमें क्या हो जाएगा? 0.8l इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। लेमडा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा रूट ओवर टी बटे म्यू इंटू 1/2f। इसमें f हो जाएगा t बटे म्यू इंटू 1/2 इंटू 1/0.8l। क्लियर है क्या? बोथ द पाइप एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट एट देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेव स्पीड ऑन द स्ट्रिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हो गए बटे 4L इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द स्ट्रिंग, ठीक है? यस सर। बटे 2 इंटू 0.8 इंटू L। L L कट गया। यस सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बटे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू 4/2 इंटू 8 इंटू 10। यस सर। 2 4 2.5। क्लियर है क्या? नेक्स्ट।